नेक्स्ट पार्ट इज एच एन ओ थ्री प्लस सी ए ओ एच होल ट्वाइस सी एन ओ थ्री होल ट्वाइस और एच, ठीक है। ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, यही हमने सीखा था, राइट। अब एलिमेंट्स क्या क्या, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, एक आपका क्या है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, लेकिन समझ में आ रही है। अब हाइड्रोजन देखो ये एक साथ अगर नहीं है तो जैसे दे रखा वैसे लिखो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने हैं वन और यहाँ कितने हैं टू, तो उसको लिखो वन कॉमा टू, ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं आपके वन, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है थ्री और यहाँ कितनी है आपकी टू, ये भी समझ में आ रही है। कैल्शियम कितना है आपका वन, अब राइट हैंड साइड में देखो कैल्शियम कितना है आपका वन, नाइट्रोजन कितना आपका सॉरी हाइड्रोजन है आपका हाइड्रोजन कितना आपका टू, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना आपका टू, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो थ्री टू जा सिक्स और ये कितना है आपका वन, तो कॉमा वन, ये समझ में आ रही है, ठीक है। कैल्शियम कितना आपका वन, अब आप देखो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है मुझे यहाँ पर किसकी दिखाई दे रही है ऑक्सीजन, ये कितना है सिक्स प्लस कर, ये कितना है इसको अगर मुझे सिक्स करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा टू से। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इसका पार्ट है, कहना चाहिए पूरी वैल्यू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो फर्स्ट वाली हाइड्रोजन है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप टू से, ये चीज समझ में आ रही है। फर्स्ट वाली जो नाइट्रोजन है, फर्स्ट वाली का मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा आपका टू से, सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो ये टू टोटल कितना हो गया फोर, ये भी फोर होना चाहिए, उसको फोर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं टू से, तो मैंने इसको किया टू से मल्टीप्लाई, जैसे इसको टू से किया कहने से यही हाइड्रोजन का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया टू, जैसे आपने यहाँ पर टू किया तो ये वाली ऑक्सीजन भी कितनी होगी टू, तो आपने इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर चेक करो क्या अब बैलेंस हुआ है, टू प्लस टू फोर, टू प्लस टू फोर, ये तो हो गया टू इंटू वन टू टू इंटू, ये भी हो गया थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द राइट हैंड साइड सिक्स प्लस टू एट, ये भी बैलेंस हो गया वन वन, तो ये जो आपका तो फाइनली जो आपकी जो बैलेंसिंग इक्वेशन होगी वो क्या होगी टू एच एन ओ थ्री प्लस सी ए ओ एच टू सी एन ओ थ्री टू प्लस टू एच टू, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस, इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट इक्वेशन इज NaOH, देखो आप पहले क्या लिखोगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट, कौन कौन से एलिमेंट है सोडियम देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन देन सल्फर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ कितने एटम है सोडियम यहाँ पर वन, राइट हैंड साइड पे कितने हैं टू, दोनों एक साथ ही। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली कितनी है वन, सेकंड वाली कितनी है फोर, तो कहने चाहिए मैं कॉमा लगा के फोर ऐसे लिखूंगा। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन फर्स्ट वाली कितनी है आपकी फोर, राइट हैंड साइड वाली कितनी है वन, ये भी क्लियर हो गया। हाइड्रोजन फर्स्ट वाली कितनी है आपकी वन और उसके बाद टू, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितनी है आपकी, सल्फर कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में वन, राइट हैंड साइड में वन, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा देखो ये वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे फोर, ये टू है, ये कितना है टू, देखो ये तो कहने के बैलेंस दिखाई दे रहा है फोर प्लस वन फोर प्लस वन, टोटल टोटलिटी में तो बैलेंस ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसको मत छोड़ो, ये समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये कितना दिखाई दे रहा है आपको टू, तो कहने से दैट मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, तो ये वाली जो फर्स्ट वाली ऑक्सीजन है ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये जो हाइड्रोजन है फर्स्ट वाली ये किससे मल्टीप्लाई होगी आपकी, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। अब आप देखो ये तो भैया बैलेंस है टू प्लस फोर सिक्स,
ये फोर है, ये वन है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टू से। कहने से जाए सिक्स हो जाएगा। जैसे ही ये आपका टू से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो कितनी हो गई आपकी, टू इंटू टू, आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितनी होगी टोटल, फोर। टू प्लस टू ये भी कितना हो गया, फोर। ये चीज समझ में आ रही है, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, वन और वन बैलेंस। तो डाउट कैन आई से दैट रिक्वायर्ड बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होगी, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। किसी को अगर पूछना तो यह पूछ सकते, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। चलो मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें यहां तक, ठीक है। एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, बैरियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो बैरियम है लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका, वन। राइट हैंड साइड में भी कितना है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका, टू। राइट हैंड साइड में कितना आपका, वन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका, टू। राइट हैंड साइड में कितना आपका, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका, वन। राइट हैंड साइड में कितना आपका, वन। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका, फोर। राइट हैंड साइड में कितना आपका, फोर। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बैरियम भी बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर टू है, यहाँ कितना होना चाहिए, टू। तो कह रहे से दैट मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपको इस कंपाउंड को टू से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, कहने से दैट इस हाइड्रोजन को आप टू से मल्टीप्लाई करो। अब चेक करो, वन वन, टू टू, टू टू, वन वन, फोर फोर। तो ये आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पर आपका टू है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद जितना कंसेप्ट आपने अभी तक किया उस पर बेस फिर आपके आते हैं ये टेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन हीट। यस एनीबॉडी, रेज योर हैंड। क्या बताया था आपको, कहा जा रहा है जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं, किससे क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से। क्यों किया जाता है बताओ, यस जी। एक्चुअली जब इसको एयर में हम ओपन ही रखते हैं, जब मॉइस्चर की वजह से इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की एक लेयर आ जाती है, क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है, जो हिंड्रेंस क्रिएट करती है कि फिर कंप्लीटली बर्न होगा ही नहीं। तो अगर ढंग से हमें जलाना है तो ये जो लेयर इस पर बनी है, हमें इस लेयर को रिमूव करना होगा। आफ्टर रिमूविंग दिस लेयर फिर अब इसको आप बर्न करोगे तो कम्प्लीटली पूरी तरह से बर्न करें। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसका प्रेजेंटेशन क्या होगा आंसर का। तो सबसे पहले देखो कंसेप्ट क्या है, प्रेजेंटेशन बाद में। कंसेप्ट ये है कि ओपन में जब इसको रखा जाता है, जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके ऊपर लेयर आ जाती है, और वो लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। बिकॉज ऑफ दिस लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम जो है पूरी तरह से नहीं जलता। इसलिए जरूरी है कि इस लेयर को हम क्या करें, बर्न करें। ये समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप आंसर कैसे दोगे, ये आपका आंसर होगा। आंसर किस तरह से दोगे आप, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। कौन कितना रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आप चैप्टर थर्ड में जब हम जाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल वहां पे अच्छे से पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव का मतलब किसी के साथ भी वो, मोस्टली सभी के साथ वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये एयर में इसको ओपनली रखा जाता है, जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, आप ऐसे समझो, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गेट्स कोटेड विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसके ऊपर ऑक्साइड का मतलब क्या बताया था, ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर किसकी लेयर आ जाती है, ऑक्सीजन। This coating does not burn when a flame is brought in contact. तो जब आप फ्लेम को इसके पास देखे होगे, ये जो कोटिंग है इसकी ऑक्साइड की, ये जलेगी विद मेटल। मेटल क्या है यहाँ पर आपका, मैग्नीशियम, ठीक है।
therefore surface should be clean with sandpaper. तो इसका जो सरफेस है वो सैंडपेपर से क्लीन करना जरूरी हो जाता है बिफोर बर्निंग, अदरवाइज वो जलेगा ही नहीं, यानी कि बर्निंग प्रोसेस जो प्रॉपरली टेक्स प्लेस होगा नहीं, इससे जरूरी हो जाता है कि हम सैंडपेपर से मैग्नीशियम रिएक्शन को क्या करें, बर्न. इज इट क्लियर? ठीक है, अब है आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन. ये आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, लेकिन कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन. ये हमने पढ़ा था क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. अब देखो कैसे करते हैं, हाइड्रोजन दैट इज एच टू, क्लोरीन दैट इज सी एल टू गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. अब देखो आपको बैलेंसिंग चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, बैलेंसिंग. तो सिंपल सी बात, हाँ जी देखो, ये ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ये कब बनता है, जब हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ अ गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. गैस का मतलब क्या होता है, H2O2 इस तरह से. ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब आप बैलेंसिंग करोगे तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका, टू. पहले तो यही देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू के साथ. जैसे आपने टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी कितना हो गया, टू. नाउ इट इज बैलेंस, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंसिंग इक्वेशन. इज इट क्लियर? ठीक है, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन. क्या कहा आपको, बैरियम क्लोराइड. बैरियम क्लोराइड जो बैरियम होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, टू. क्लोरीन की वैलेंसी होती है वन. तो एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, BaCl. तो आप देख सकते हो बैरियम क्लोराइड का मतलब हो गया BaCl. पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, बैरियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, BaCl. ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al. सल्फेट का क्या होता है, SO2. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की होती है 2. तो ये ऐसे आएगा, ये तो सिंगल है तो ये हो जाएगा Al2, बट ये एक से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, SO4. फिर ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पे, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट. इसके बाद इट गिव्स बैरियम सल्फेट. बैरियम का मतलब क्या होता है, Ba. सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4. बैरियम की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2. सेम वैलेंसी क्या हो जाती है, कैंसिल. कहने से जैसे BaSO4 होगा, ये क्या होगा आपका, BaSO4. ये देखो ये हो गया आपका BaSO4. नेक्स्ट वैल्यू इज गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम हो गया Al, क्लोराइड हो गया Cl. एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3, क्लोरिन की होती है 1. तो क्रॉस करोगे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है. कैन आई से दैट ये होगा AlCl3. यहाँ तक कोई डाउट, ये क्या होगा आपका AlCl3. ये क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है बैलेंसिंग. अब देखो आप इतने सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग के कर चुके हो तो अब आपको वो टेबल बार बार बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली कर ट्राई करके देखो हो जाएगा. नहीं होगा तो आपके पास वो तो फिर एक ऑप्शन है. अब डायरेक्टली कैसे देंगे, देखो Ba मेरा कितना है, 1. ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 2. नॉर्मल वैल्यूज देखो. ठीक है, यहाँ सल्फेट, पूरा सल्फेट देखो, पूरा सल्फेट कितना है यहाँ पे, 3. पूरा सल्फेट कितना है आपका, 3. मतलब पूरा सल्फेट 3 है, तो इस पूरे सल्फेट को 3 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा. जैसे आपने यहाँ पे 3 लिखा तो बैरियम कितना हो गया, तो अगर इसको ये 3 है तो इसको भी 3 करना होगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 3. जैसे आपने इसको 3 किया तो क्लोरीन कितना हो गया, 6. यहाँ पर कितना है, 3. इसको 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2. समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो 3 × 2 = 6. जो भी यहाँ आपके ये एटम्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका 6 होगा. अगर ये 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए. अब यहाँ 3 है, 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 × 3 का कितना हो गया, 6. अब देखो एल्यूमिनियम कितना है, 2. ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम जिस मेथड से हम करते हैं उससे करते तो कैसे करते,
फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं आप ऐसा करो, डिपेंड ऑन अ प्रैक्टिस, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, नहीं तो आप वही मेथड के साथ जाओ। ये क्या हो गया आपका एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या है, बी ए, ये क्या आपका सी है, ये क्या ए है, ये पूरा आपने एज ए ग्रुप ही लिखना है पूरा सल्फेट। आपको याद होगा मैंने बैलेंस ही पूरे सल्फेट की बताई थी, ये समझ में आ रही है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में बैरियम कितने हैं, वन, राइट हैंड साइड में कितने हैं, वन, ये तो बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, टू, राइट हैंड साइड में कितना है, थ्री, ये मेरा बैलेंस, ठीक है। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका, टू, राइट हैंड साइड में कितना है, सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, थ्री, राइट हैंड साइड में कितना है, वन, इसी समझ में आए। सबसे पहले ये थ्री है, ये वन है, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री। अब ये जो सल्फेट थ्री ये है ना आपका, तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ थ्री किया तो बैरियम कितने हो गए, थ्री, तो यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा। जैसे ये थ्री हुआ तो इसको भी क्या करना होगा, थ्री, तो आपने इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री, इसी समझ में आ रही है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, टू, अब ये थ्री टू जै कितना हो गया, सिक्स, तो कहने से ये टू इंटू थ्री हो गया। जैसे ही टू इंटू थ्री हुआ तो इसको क्या करोगे, थ्री इंटू टू, अभी तो होगा सिक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू। जैसे ये टू हुआ तो एल्यूमिनियम कितने हो गए आपके, टू, अब चेक करो, वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री बैलेंस, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री बैलेंस, टू, टू इंटू वन, और थ्री, और थ्री बैलेंस, इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्यों, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी वन, हाइड्रोक्साइड की भी वन, तो NaOH, और हाइड्रोजन हो गया आपका H, सिंगल हाइड्रोजन है तो H कभी नहीं होता, ये क्या होगा H2, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये आप अब बैलेंसिंग चेक करो, ये वन है, ये भी वन, यहाँ ऑक्सीजन वन है, यहाँ भी कितना है, वन, यहाँ हाइड्रोजन वन है, यहाँ पर टू है, अब ये वन है, अब यहाँ पर देखो ना ये टू है, इसको ऐसे लिखोगे ना वन कॉमा टू, ये टोटल थ्री है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो ऑड वाला नंबर है ना उसको इवन बनाने की कोशिश करो, वन के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, मैं इसको टू बना सकता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टू से, यहाँ मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपने यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया तो ये भी किससे होगा मल्टीप्लाई, टू से। अब चेक करो ऑक्सीजन कितनी है आपकी, टू, ऑक्सीजन कितनी है आपकी, टू, लेकिन यहाँ कितनी है ऑक्सीजन, वन, तो यहाँ पे टू से करोगे, जैसे यहाँ टू से किया तो ये हो गया टू टू जा फोर। अब देखो ये टू और टू, हाइड्रोजन फोर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है आपकी, टू, और यहाँ पे कितनी होगी, टू, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सोडियम यहाँ पर कितना आपका, टू, और यहाँ पे कितना है, टू, हो गया सारा बैलेंस, समझ में आ रहा है, दोबारा बताओ, क्लियर है, ठीक है। ये इस तरह से आपका हो गया बैलेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको एक स्टेटमेंट की बनेगी, क्या की बने, एक स्टेटमेंट, आपको इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना, वो कह रहा है सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बी ए सी एच, बताया था अभी, ठीक है। तो देखो आपने क्या लिखा, सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन का मतलब होता है वाटर के साथ, तो उसको बोलते हैं एक्वस, सोल्यूशन जहां वर्ड आ गया इसका मतलब विद वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बैरियम क्लोराइड बी ए सी एच सोल्यूशन है तो एक्वस, इज इट क्लियर, विद वाटर, ठीक है। आगे कहा गया आपको बैरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है आपका Na, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट की वैलेंसी सोडियम की वन, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा Na2SO4, इज इट क्लियर, ठीक है। तो आपने क्या लिखा Na2SO4, अब यहाँ भी मैंने एक्वस लिखा, तो यहाँ पर भी कुछ वाटर का उन्होंने मेंशन किया है, ये देखो सोल्यूशन तो क्लियर हो गया विद वाटर एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो ये भी वाटर में है ना, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म, विद वाटर का मतलब भी क्या होता है, कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म, ये क्लियर है आपको, ठीक है। बैरियम की वैलेंसी टू होती है, क्लोरीन की वन,
बैरियम आपने लिखा, क्लोरीन आपने लिखा, बैरियम की वैलेंसी होगी 2, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, BaCl। जहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, क्या देखा आपने? बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन है तो एक्वस, सोडियम सल्फेट इन वाटर तो अगेन एक्वस फॉर्म। ठीक है, व्हाट इट गिव्स, रिएक्ट टू गिव इन सोल्यूबल बैरियम सल्फेट। बैरियम क्या होता है आपका, बी ए, सल्फेट क्या होता है, SO4, दोनों की वैलेंसी 2 होती है तो बी ए SO4। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन तो कहने से दैट NaCl के आगे भी एक्वस आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब है सॉलिड का। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू बैलेंस, अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना। अब बताओ किस मेथड से कर, टेबल वाले से करने या डायरेक्टली करें? डायरेक्टली, चलो देखो, ये तो बी ए, बी ए सिंगल है आपका, सल्फेट यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, ये भी क्लियर है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना, 1, तो कहने से यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आपने 2 से किया तो सोडियम आपका 2 हो गया, तो ये भी ऑलरेडी 2 है, हाउ इट इज बैलेंस, सारे चेक कर लो, सारे बैलेंस। आगे समझ में? ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट वन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, सॉल्यूशन इन वाटर तो कौन सी फॉर्म है, एक्वस फॉर्म। तो कैसे लिखोगे, NaOH विद इन ब्रैकेट 1, इज इट क्लियर? आगे अगर वो ये चीजें बता रहे तो आपको ये स्टेट सिंबल देने इन वाटर, क्योंकि इन चीजों के फिर मार्क्स कर सकते हैं आपके कर से, एग्जाम में चेकिंग हो सकता है, एग्जामिनर पता नहीं है ना कि कितनी डेप्थ में आपकी चेकिंग हो रही है। एग्जामिनर एक होता है कि छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, एक एग्जामिनर होता है छोटी छोटी चीजों को भी देखता है, इन चीजों पर आपको फोकस करना है। वाटर का मतलब वो एक्वस, व्हाई टेक चांस। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, तो कैन आई से दैट HCl भी एक्वस है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ये भी एक्वस है, बोलो भाई, एंड वाटर प्लस एच, वाटर को एक्वस नहीं कहोगे, वाटर के साथ जो होता है तब होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, और आप देखो ये बैलेंस की है, NaNa ClCl 1H1H, टोटल कितने हो गए 2, ये देखो एंड 1 ऑक्सीजन, इज इट क्लियर? ठीक है, इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसको भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन, तो पहले सारे बैलेंसिंग ही खत्म करते हैं, मैं वो भी करवा देता हूं। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस, तो फिर क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, विच इज क्लियर हो गया। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, H2 प्लस N2 फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, इज इट क्लियर? ठीक है, बैलेंसिंग देखो, अब जब आप बैलेंसिंग देखोगे कोई डायरेक्टली करते हैं राइट, देखो यहाँ आप ये देखो कि हाइड्रोजन कितने 3, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, ऑड वाले को इवन बना सकते, 3 से 4, 3 को 4 बनाया जा सकता है, नहीं, इससे मल्टीप्लाई करो नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा 6, तो आप इसको 6 बना सकते, 6 के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है? अब इसको 6 बनाने के लिए किससे करना होगा, 3 से, तो आपने इसको कर दिया 3 से, तो कहना है जब यहाँ पर 3 आ जाए, जैसे यहाँ 3 हुआ ये 6, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, तो ये तो ऑलरेडी हो गया था, आ रही है बात समझ में? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, ऑक्सीजन, जब भी बर्निंग की बात होगी, बर्निंग बर्न्स इन एयर, तो कौन सी गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2 है, हाइड्रोजन होता है, सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा H2S। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स वर्ड जहां पर आ गया, तो एयर में किस गैस की बात करो, एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, लेकिन बर्निंग के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O2। ठीक है, क्या कहा जा रहा है आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू कीप वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर क्या होता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है SO2। ज्यादा सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो ऑक्सीजन, डाई का मतलब टू, CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन दो ऑक्सीजन, दैट इज SO2। ठीक है, H2S, O2, SO2, आप देखो चेक करो, हाइड्रोजन कितने है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन आपका 2,1 है, इसको इवन बनाऊंगा, इसको इवन बनाऊंगा तो 1 के बाद नेक्स्ट इवन क्या होता है 2, क्या मैं 1 को 2 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, आपने इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो 2 जा कितना हो गया 4, ये 4 हो गया तो यहाँ मुझे इसको भी 2 से करना होगा, जैसे ये 4 हुआ यहाँ सल्फर कितने हो गए, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, जैसे आपने इसको 2 से किया ये कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 2 से करना होगा, एक बार दोबारा बताऊ करूँ दोबारा, देखो आराम होगा, मुझे लग रहा था थोड़ी स्पीड ज्यादा हो, यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इतनी बात समझ में आ रही है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर साथ में एक और है ना, बेसिकली राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो 2,1 है, जो ऑड वाला पार्ट होता है उसको नेक्स्ट इवन वैल्यू पे लेके जाओ, 1 के बाद नेक्स्ट इवन आता है 2, तो मैं 1 को मैं इवन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ये 4 हुआ तो ये भी कितना होना चाहिए, तो आपने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, सल्फर कितने हो गए, यहाँ कितने हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऑक्सीजन कितनी होगी फर्स्ट वाली 4, यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, देखो यहाँ ऑक्सीजन, ये आपकी कितनी है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 4, 4 + 2 कितनी है 6, टोटल तो 6 है ना, तो इसको भी क्या करना होगा 6, किससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल में तो सेम होना चाहिए, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है अंतर, तो फाइनली जो बैलेंसिंग इक्वेशन होती है आपकी वो क्या होगी, 2H2S, 3O2, 2SO2 + 2H2, इज इट क्लियर, चले हम आगे, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका बैरियम क्लोराइड, कितनी बार आ चुका है, क्या होता है BaCl2 विद एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या होता है Al2SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैन आई से दैट क्लोरीन की वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की 3, एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, बैरियम क्या होता है Ba, सल्फेट का, दोनों की वैलेंसी सेम होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बता देता हूँ, इनसोल्यूबल पार्टिकल होता है, जैसे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बार देखा गर्मी में दूध फट जाता है, उसमें कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल दिखाई देते हैं ना आपको, वो आपका प्रेसिपिटेट होता है, लिक्विड में जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होता है दैट इज आपका प्रेसिपिटेट, दैट इज प्रेसिपिटेट, इज इट क्लियर, ठीक है, और प्रेसिपिटेट जहाँ लिखा जाता है उसको शो कैसे किया जाता है, जैसे किसी इक्वेशन में मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेसिपिटेट है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस है, तो गैस को हम कैसे शो करते हैं, अपर एरो से, अपर एरो का मतलब गैस है इस रिएक्शन पे रिलीज होती है, प्रेसिपिटेट में क्या ऐसे शो करते हैं डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट में आपको डाउनवर्ड एरो जहां दिखाई दे रहा है वो रिएक्शन में क्या है प्रेसिपिटेट, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, तो देखो ये आपकी क्वेश्चन BaCl2 बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट, अब देखो ये कितने हैं 1, ये भी कितने हैं 1,
सल्फेट कितने हैं? थ्री। यहाँ पर कितने हैं? वन। कहना चाहिए इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो बैरियम कितने हो गए? थ्री। तो यहाँ भी किससे करना होगा? थ्री से। जैसे आपने इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितने हो गए? थ्री टू जा, अब ये थ्री है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? टू से। जैसे आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? और यहाँ भी देखो कितने हैं? टू हो गया। बैलेंस फ्लो होता है, फ्लो के साथ जाओगे अपना, बस एक ही करके करते जाओ अपना बैलेंसिंग। तो नहीं हो रही है तो फिर आप क्या हो, टेबल वाला, तो फिर है ही कंसेप्ट, टेबल बना के कर लो। और विद प्रैक्टिस आपको ये सबसे ईजी चीज़ होती है। तो आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? के रिएक्ट विद वाटर, ये हो गया H2। इतना समझ में आ रही है? तो जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या हो गया? के प्लस एच टू। वट इट गिव्स? इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड दोनों की बैलेंसी बनो, बेसिकली क्या हो जाएगा? के ओ एच एंड हाइड्रोजन गैस मीन्स एच टू। यहाँ तक समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है, के प्लस एच टू गिव्स के ओ एच प्लस एच। अब यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितनी है? टू। यहाँ पर कितनी है? वन कॉमा टू। सबसे पहले क्या करूंगा, इसको क्या बनाना होगा? नेक्स्ट इवन नंबर, दैट इज टू। तो कहने से दैट मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। कितने पोटेशियम हो गए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू। इसी समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ कितने हैं? वन। मुझे यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? टू से। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? फोर। यहाँ पे कितने हो गए? टू और टू फोर। देखो बैलेंस आया नहीं, क्लियर है यहाँ तक? चलू मैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बैलेंसिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप सारे पार्ट्स ट्राई करो फिर मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाला क्या है आपका? HNO3 plus CaOH whole twice, CaOH कैल्शियम नाइट्रेट plus H2। देखो यहाँ पर नाइट्रेट कितने है? टू। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, HNO3 plus CaOH CaNO3 whole two plus H2। यहाँ पर सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाइट्रेट कितने हैं आपके? टू। यहाँ कितने हैं? वन। तो कहने से देखिए यहाँ मुझे टू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने यहाँ टू से गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? टू और टू फोर। यहाँ फोर हो गए ना, यहाँ पर टू है, तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा? टू से। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? टू। और यहाँ ऑक्सीजन कितने? टू। यहाँ तो इसको तो पूरा नाइट्रेट देखोगे आप, समझ आ रहा है? एनओ थ्री पूरा एक साथ देखना है। सल्फेट में जैसे मैंने बताया था ऐसे, अब बताओ ये बैलेंस है, क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड वाले पर आ जाओ, एन ए ओ एच प्लस एच टू एस ओ फोर गिव्स एन ए टू एस ओ फोर प्लस एच टू। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यहाँ सोडियम कितना है? यहाँ कितने हैं? इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? टू से। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अच्छा यहाँ सल्फेट कितने हैं? वन। यहाँ भी सल्फेट कितना है? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? टू। यहाँ ऑक्सीजन टू, टू है ना, टू इन टू। ऑक्सीजन कितने हैं आपके? टू। समझ आ गया, ऑक्सीजन कितने हैं? टू। यहाँ कितने हैं? वन। तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा? जैसे आपने यहाँ टू से किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? फोर। और यहाँ देखो टू हाइड्रोजन और टू, टोटल कितने हो गए? फोर। नाउ इट इज बैलेंस, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, एन ए सी एल प्लस ए जी एन ओ थ्री गिव्स ए जी सी एल
प्लस एन ए एन ओ। सबसे पहले देखो एन ओ वन, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर ए जी होता है सिल्वर, वन वन कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन वन वन, सोडियम वन वन, मैंने से दैट ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। बी ए सी एल टू प्लस एच टू एस ओ फोर गिव्स बी ए एस ओ फोर प्लस एच सी एल। दे रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, बैरियम वन वन, सल्फेट एस ओ फोर एस ओ फोर वन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? टू। यहाँ कितना? वन। कहने से मुझे यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ क्लोरीन कितना है? टू। और अब यहाँ पे कितना हो गया? टू। हाँ ठीक है, अब आप बताओ आपके सारे ठीक थे? ठीक है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो सबसे पहली जो इसमें रिएक्शन आती है वो आती है आपकी कॉम्बिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन जो आती है टाइप में, वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डबल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड ये सारी चीजें आपको इस कंसेप्ट में पढ़ना। जैसे कि मान लो जैसे ये सारी चीजें खत्म होगी, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर भी खत्म होगा, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन रह जाएगी इस रिएक्शन की, एक आध टॉपिक बचे और चैप्टर। सबसे पहले रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से देखो आपको एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन कंबाइन। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या देते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। देखो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको समझने के लिए आपको एक रिएक्शन दी गई, एक एक्टिविटी दी गई। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया आपको? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और अगर देसी लेमन लैंग्वेज में बात करो तो चूना। तो चूना होता है आपका वो कैल्शियम ऑक्साइड। पढ़े लिखे आप लोग बच्चे की तरह बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड स्लेट लाइट। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल वाले बात करेंगे तो चूना। ठीक है, आपने इसको कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम को किस में ले लिया? बीकर में ले लिया। क्या ले लिया? ठीक है, अब इसमें आपने चूना डाल दिया। इतनी बात समझ में आ रही? आपने कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स स्लेट लाइम को आपने इस बीकर में डाला, उस पर फिर धीरे धीरे आपने क्या डालना शुरू किया? स्लोली एड वाटर टू दिस। ये धीरे धीरे आपने इसमें वाटर डालना शुरू किया। थोड़े टाइम के बाद जब आप इस बीकर को टच करोगे, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस यू विल। ये क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो एक्चुअल में हुआ क्या है? आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट किया, ये बात समझ में आ रही है? और वो रिएक्ट कर भी गया क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा, तो रिएक्शन तो हो गई। हमने कहा था कि अगर चेंज इन टेम्परेचर होता तो रिएक्शन होगी, तो यानी कि दोनों चीजें रिएक्ट कर, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप इससे याद रिएक्ट करोगे वाटर के साथ, व्हाट वी विल गेट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक लाइन। क्या कहते हैं? स्लेट लाइन। और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्विक लाइम। दो चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से सारी चीजों को समझ। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विक लाइम। वाटर से रिएक्ट करता है, यस करता है, करने के बाद फिर क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अलोंग विद दिस हीट एनर्जी रिलीज होती है। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही बना ना, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना। कहने से दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? कहने से दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्लेक। ठीक है, एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ, और साथ में क्या होते हैं? हीट एनर्जी रिलीज होती है, गर्माहट निकलती है।
प्रोडक्ट तो एक ही बना, तो ये क्या आपका, अच्छा इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी समझ में आ रही है, चलू मैं आगे, ठीक है। देखो आगे क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम का सॉल्यूशन, यानी कौन सी फॉर्म होगी, एक्वस फॉर्म, वेरी गुड, कौन सी फॉर्म होगी, एक्वस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या कह रहे हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये समझ में आ रही है, ठीक है। Produced by the reaction, जो यहाँ पे produce हुआ है, is used for white washing. इसको white washing के लिए use करते हैं। होता क्या, जब हम white washing में इसका use करते हैं, तो air में gas होती है carbon dioxide, मानते हैं, वो carbon dioxide इसके साथ react कर जाता है, और carbon dioxide जब इसके साथ react कर जाता है, there is a formation of calcium carbonate. इसकी formation होती है calcium carbonate, जिसकी वजह से जो walls होती है ना, उसमें shine आती है। व्हाइट वॉशिंग के बाद जो बहुत उसमें शाइन दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, विच रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आपने वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉश, उसके थ्रू व्हाइट वॉश किया, अब रूम में जहां भी आपने वो व्हाइट वॉश किया, वहां पर एयर होगी, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग भी एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तब इस रूम में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट करके क्या बन जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से वॉल्स में क्या आती है, शाइन आती है। समझ में आ रही है आपको, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कहते ना, कई बार आपने देखा, कहते भी थोड़ा सूखने दो फैन को चला के रखना, कई बार हमारे घर में भी जब वो सफेदी वाले आते तो क्या कहते हैं, ये पंखे चले रहने दे, कई बार हम लोगों को आदत होती है, हमें तो कमी होती है, मम्मी पापा को ज्यादा होता है, क्यों चला के रखता, हमारा क्या, हम तो बस ठीक है भरते रहेंगे अपने आप में, हमारे तो एसी भी ऐसे चलते रहते, नवाब है हमको, जिसने बिल भरना उसको पूछो, पर इस टाइम पे आप क्या कहते हो, बोलते गए चला के रखना, क्यों, क्योंकि को सूखने में टाइम लगेगा, जितना जल्दी जब वो सूख जाएगा उतना ही वो किसका कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम का, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा उससे रिएक्ट होता रहेगा, रिएक्ट होता रहेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, तो वॉल्स के ऊपर जो शाइनी फिनिश आती है ना, उसकी वजह से आती है, कंसेप्ट क्या उसके भी, तो फेरी वाले तो ये कह रहे हैं कि चूना लगाएंगे, ये लगाएंगे, पानी का चूना मिला दिया, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसने सफेदी कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट कर दी, बाद में आ गई शाइन, पर उसके पीछे रीजन क्या है, वो एक साइंस, इज इट क्लियर, जो रिएक्शन हम बात कर रहे हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल का मतलब कार्बन रिएक्ट, बर्निंग, बर्निंग जहाँ आ गया वहां पे ऑक्सीजन आएगा, पहले ही बता चुका हूँ, सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, सी ओ टू क्या होती है, गैस होती है, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन। एक और देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एच टू एंड ओ, इसको मैं थोड़ा सा आपको, देखो आपने देखा वो घर में कुछ लोग रॉड से पानी गर्म करते हैं, या घर में हमारे क्या होता है पानी गर्म करने के लिए, दोनों में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जब जब जैसे पानी में आप कोई रोड डालते हो ना, कभी उस रोड को भी देखना, अगर आपने देखी हो, उसमें भी दो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, वाटर को सेपरेट कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो बेसिकली जो वाटर है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यहाँ उसका अपोजिट बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है वाटर, तो दो रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट,
समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो वो डेफिनेशन लिखो या ये लिखो, बोलता है दोनों ही। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इसी में आप एक अभी आपने कुछ रिएक्शन देखे जिसमें क्या रिलीज हो रही थी हीट। कब हुआ था ऐसा? जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया था, वाटर के साथ, इसकी फॉर्मेशन हुई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैंने क्या कहा था हीट। तो इस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है ना, देखा था ना, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर को तो बीकर गर्म हो गया तो वो हीट एनर्जी निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनसे हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जब फॉर्मेशन होती है, उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ वहां पे हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। ए और बी को आपने रिएक्ट किया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सी, बट अलोंग विद सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी आल्सो। ये क्या है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोल जब आप कोल को बर्न करोगे तो CO2 गैस के साथ साथ वो हीट नहीं होता, गर्म नहीं होता, हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसी जो भी रिएक्शन है जिसमें से हीट रिलीज होते हैं, रिलीज कहाँ पर होगी, अगर रिलीज होगी तो राइट हैंड साइड में होगी। रिलीज को कहाँ पर लिखा जाता है, प्रोडक्ट के साथ, प्लस में लिखा होगा हीट। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन। मीथेन को बर्न करने का मतलब किसके साथ करोगे रिएक्ट, ऑक्सीजन। जहां बर्निंग आ गया प्लस हो, जब हम इस नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस में यहाँ पे भी हीट एनर्जी आता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। भाई जो भी हम खाना खाते हैं, जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, we all know that we need energy to stay alive, we get this energy from the food we eat, khana insani se energy milti hai, kaise milti hai, jab digestion hota hai to food aapka break down ho jata hai, padha hai aapne, pehle padh chuke aap, bhi aur zyada detail mein padhenge hum life process ke, food is broken down into simpler substances, for example jaise ki aapne rice khaya, potatoes khaye, bread khaye, in sab mein kya hota hai, carbohydrates, kya hota hai, carbohydrates, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। जो भी आपने खाना है उसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, सबसे पहले ये चीज क्लियर करो अपने माइंड में, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग बोथ आर डिफरेंट। कोई भी फाउल स्मेल का आप इनटेक करते हैं, कहीं भी ज्यादा फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आ रही होती है, वो भी हम लोग इनटेक करते हैं, उसको भी इनहेल करते हैं, वो ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन इज अ बिग प्रोसेस। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और फिर उस ऑक्सीजन का ग्लूकोज से रिएक्ट होना और उसके बाद क्या होना, हमें एनर्जी मिली, दैट इज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन, ये भी समझ में आ रही है यहाँ पर, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जब रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके साथ अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को फिर हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बताओ, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मैंने बोला उसका उल्टा करो, मैंने क्या कहा, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। अब इसका उल्टा क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड, माइनस का पोजिशन, ए प्लस बी गिव्स सिंगल प्रोडक्ट सी, और एक सी जो है वो आपका एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर आपका कन्वर्ट हो जाता है तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन इज अ कन्वर्स ऑफ या अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, देखो
एक्टिविटी क्या है आपकी, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो आयरन होता है, मैंने कहा था इसकी 2 बैलेंसी होती है, एक होती है 2 और एक होती है 3। आयरन की बैलेंसी कह रही है, अगर फेरस की, अगर वो कहता है फेरस, फेरस का मतलब बैलेंसी कितनी है 2। अगर वो कहता है फेरिक, इसका मतलब कौन सा आयरन लिया आपने जिसकी बैलेंसी 3 वाले के लिए हम यूज करेंगे फेरिक, 2 वाले के लिए क्या यूज होता है फेरस। आयरन की 2 बैलेंसी होती है, वेरिएबल बैलेंसी होती है। अगर बैलेंसी 2 है तो वो क्या है, तो कौन सा आयरन है फेरस, बैलेंसी 3 है तो कौन सा है फेरिक। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आपने कहा टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब ये होता है भैया जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी क्रिस्टल किसको कहा जाता है, जिसके साथ में क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, फेरस सल्फेट ही नहीं होगा, फेरस सल्फेट के साथ क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने होंगे वो आगे भी पता चलता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि जो भी वो है उसके साथ क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मान लो फेरस सल्फेट हो गया, ये साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसके साथ डॉट लगा होगा और एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होंगे वाटर, ठीक है। चले आगे, आपने क्या किया, एक ये देखो ये ट्यूब दिखाई दे रही है, आपने ड्राई ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपने कितना ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए, क्रिस्टल लिए फेरस सल्फेट के कितने ग्राम, 2 ग्राम, ये इसमें ले लिया। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, आपने इसका कलर नोट किया। फिर क्या हुआ, आपने हीट किया बॉइलिंग, इसको ट्यूब को आपने हीट किया ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, ये देखो कर रहे हैं ना, ये क्या हमने, और स्पिरिट लैंप है शोन इन द फिगर, समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, हीट के बाद इसका कलर ऑब्जर्व करो क्या, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, Have you noticed that green color of ferrous sulfate crystal has changed? जो ferrous sulfate होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, जब आपने उसको हीट किया तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होता है। और जो उसमें से स्मेल आएगी ना, जैसे रोटन एग तो खराब अंडा होता है, उस तरह की स्मेल, बहुत ही फाउल स्मेल है इस रिएक्शन, इस एक्टिविटी। You can also smell the characteristics odor of burning sulfur. समझ आ रहे हैं यहाँ तक, पैरस सल्फेट। अब देखो सल्फेट क्या होता है, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2, पैरस की वैलेंसी भी कितनी होती है 2, ये बताया था मैंने, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पैरस सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद देखो क्या मिला, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये Fe है और ये O है, O की वैलेंसी कितनी होती है 2, और यहाँ पर O के साथ क्या दिखाई दे रहा है 3, तो कहना चाहिए यहाँ पर जो आयरन की वैलेंसी है वो कितनी है 3, 3 वाले वो क्या कहते हैं फेरिक, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ फेरिक ऑक्साइड, समझ में आ रहा है, आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है 2 और 3, 2 वाले को क्या कहते हैं फेरस, 3 वाले को क्या कहते हैं फेरिक, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, देखो सिंगल रिएक्टेंट है, किस किस में ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक रिएक्टेंट ने एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे दिए, ए बी सी 3 प्रोडक्ट दे दिए, 2 या 2 से ज्यादा हो गया ना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कब दिया, जब आपने इसको हीट किया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो 3 टाइप्स से होती है, कितने टाइप से होते हैं 3, इसमें जो फर्स्ट होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये तभी रिएक्शन होगी जब आप इसको हीट दो, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या हो, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल था ना, तो मैंने क्या कहा था कि उसके साथ क्या होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है 7 मॉलिक्यूल्स, समझ आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको, एक्चुअली भाई ये एरर है, यहाँ पे ये डॉट आया, अगर फेरस सल्फेट के साथ, अगर फेरस सल्फेट के साथ ये डॉट है, अगर फेरस सल्फेट के साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये क्रिस्टल फॉर्म, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है 7, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है।
तो क्या हुआ, क्या देखा आपने कि जब आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए और जब आपने उसको हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये चीज समझ में आ रही है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि वो जो भी कंपाउंड है उसके साथ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये डॉट आएगा। ठीक है, तो जैसे आपने हीट किया तो वाटर लूज हो गया, वाटर जो वेपर्स की फॉर्म में आपका रिलीज हो जाएगा, लूज वाटर व्हेन हीटेड, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, द कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज इन दैट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। और किसमें कन्वर्ट हो गया, वो फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इज इट क्लियर? फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड आपको पता ही है क्या होती है, कैसे। इज इट क्लियर? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, आपने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को भी, अब ये भी अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन के लिए कंडीशंस होती है। आपने इसको क्या किया, हीट किया। जैसे आपने इसको हीट किया, देखो जहां CO3 है ना वहां पे CO2 गैस को रिलीज होती है, तो प्लस में CO2 तो पहले तैयार है। तो जब आप लाइमस्टोन को यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, कुतला है। ये समझ में आ गया आपका? और इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है उसको रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन को आगे करने के लिए या उस रिएक्शन के होने के लिए, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है तभी प्रोडक्ट में चेंज होगा जब हम इसको हीट देंगे, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या था, हीट रिलीज हो रही थी, हीट उसमें से निकल रही थी। एंडो का मतलब होता है इनटेक ऑफ हीट, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी प्रोडक्ट में अगर प्लस हीट आ गया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर कंडीशन में हीट आ गया तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मल, हीट का मतलब है थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।